नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की बैठक संपन्न। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के समर्थन देने का लिया फैसला। कमेटी के सदस्य चरणजीत सिंह खुराना ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ही पूरी जानकारी दी जाएगी। हरियाणा में कमेटी के गठन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रही अहम भूमिका। उन्होंने कहा भाजपा ने सिखों के हितों के लिए कुछ भी नहीं किया। वहीं बैठक में प्रदेश के सभी स्कूलों व कार्यालयों में पंजाबी भाषा लागू किए जाने की भी रखी मांग। हरियाणा सरकार द्वारा गुरुद्वारा एक्ट लागू करने व केंद्रीय सरकार द्वारा गुरुद्वारा एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस वापस लेने के लिए बैठक में उठाई मांग। अब देखें पल पल की ये विशेष रिपोर्ट अमर सिंह जानी के साथ। आज की बैठक ली गई थी अपने हकों को पहचानने के लिए और जो जितनी भी पिछली सरकारें रही हैं उन्होंने क्या काम किया हमारे लिए और हम आगे का स्टैंड किसके लिए रखें। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जब सरकार थी हमारी बहुत पुरानी मांग थी हरियाणा के गुरुद्वारे की कमेटी अलग बनाने की, जो उन्होंने पूरी करी। उन्होंने पंजाबी लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज रखी हरियाणा के अंदर। उन्होंने अपने जट सिखों को 5% का दिया आरक्षण दिया। तो अब हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए? तो हमारे यहाँ पे सारे लोकल लीडर्स जितने थे वो सारे मिले, उन्होंने डिस्कस करा, क्योंकि आज तक जितना स्टैंड चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने लिया है हरियाणा के सिखों के लिए और किसी ने अब तक लिया नहीं है। तो सबने मता लिया, सबने लिया कि हम अपना स्टैंड और हम अपनी सपोर्ट उन्हीं के लिए रखेंगे जिसने हरियाणा के सिखों के काम किए। अब आगे जो लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, क्या लोकसभा में जो कमेटी की तरफ से ऐसा बता दें जो पूरे के पूरे जो समर्थन जो कांग्रेस को दिया जाएगा कमेटी पूरा, क्योंकि ये कमेटी बनी ही कांग्रेस के राज में थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में बनी थी, और हरियाणा के सिखों को ना ही सिर्फ कमेटी, हरियाणा के सिखों को पूरा जो राइट मिला वो उनकी सरकार में ही मिला। इस सरकार ने तो एक भी कुछ करा हो काम तो हमें बताइए, कुछ भी करा हो तो हमारे केस को दबाया, उसको लमकाया, आगे कराया, और बल्कि एक एफिडेविट भी गया था सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जो हमारे पक्ष में नहीं था। तो मौजूदा बिल्कुल एक सीधा ही बात है कि सारे हरियाणा के सिख, सारी एच एस जी एम सी कमेटी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के ही साथ है। देखिए एच एस जी एम सी गुरुद्वारों की एक सेवा संभाल के लिए बनी है और हम उन्होंने हमें हमारा राइट दिया है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने। तो टिकटों का HSGMC में कोई ऐसा डिमांड नहीं है। जो दो चार लोग बोलते हैं वो उनकी एक व्यक्तिगत राय हो सकती है, पर टिकटों के लिए अभी इस वक्त हमारा कुछ भी नहीं है। उन्होंने हमारे काम की हमारी, और ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने सिखों के लिए किया, और इसलिए अब हमारा फ़र्ज़ भी बनता है उनके साथ। कोर्ट में आप इसकी पैरवी कर रहे हैं, कहाँ तक, कब तक उम्मीद है आपको, किस तरह का फैसला लेने की उम्मीद है? देखिए अब तक काफ़ी देर तक वो इस केस को लमका रहे थे, इस वक्त धवन साहब हैं और कपिल सिब्बल भी करेंगे। तो जो कोर्ट का केस है वो आर्ग्यूमेंट्स में आ गया। अब आर्ग्यूमेंट्स में आने का मतलब है कि अब बहुत जल्दी जल्दी डेट लगेंगी और दो तीन डेट में फैसला हो जाएगा इसका।